ये स्टोरी है एक बहुत अमीर लड़के की जो अनपढ़ है, और एक लड़की वो गरीब बहुत है मगर इंटेलिजेंट पढ़ी लिखी है, तो दोनों फेक शादी करके जर्मनी जाते हैं और कैसे वहाँ सेटलमेंट करते हैं, लड़की को प्यार हो जाता है उससे, तो इसके ऊपर स्टोरी है, कॉमेडी है फुल। दस दिन की शूट इसकी चंडीगढ़ में कर रहे हैं, एक दिन की शूट जहाँ हो चुकी है बॉम्बे में, और 35 डेज का शेड्यूल जर्मनी का है। इसके अलावा मतलब स्टार कास्ट कोई बड़े बड़े स्टार नजर आएंगे पिक्चर में? इस फिल्म की स्टोरी स्टार कास्ट है, सबसे बड़ी स्टोरी है इसको। बाकी मिस इंडिया फाइनलिस्ट की लड़की है 2015 की मिस दीवा है, जो लड़का है वो एक फिल्म उसकी आ रही है मार्च अप्रैल में रिलीज होने वाली है, तो बस नहीं है सब लोग नहीं डायरेक्शन में कैमरामैन और स्टोरी ये नए लोग नहीं हैं, जिन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है पहले, सब ने काफ़ी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसमें कोई नया नहीं है। तो मैंने भी दो जर्मन फिल्में बनाई हैं, एक पंजाबी फिल्म बनाई है, ये चौथी फिल्म है मेरी। मेरे हिसाब से जो इंसान आर्टिस्ट तरीके से सोच सकता है वो अच्छी फिल्में भी बना सकता है, तो मैं गा भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, स्पोर्टमैन भी हूँ, तो जर्मनी मुझे 30 साल हो गए, वहाँ पे भी अलग अलग काम किए, बहुत अच्छा है। मुझे जब मैंने सुना इस आइडिया के बारे में कि यार जहाँ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत रहती है, तो मैंने कहा फिर वहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ किया कि इनकी भी कुछ हेल्प हो जाए, तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे गाने गा रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे। हो सकता है, हो सकता है, मतलब ऐसा होता है कई बार आइडिया आता है इंसान के दिमाग में, तो फिर उसके हिसाब से पिक्चर बनती है या लिखी जाती पहले। तो मैं तो वैसे भी जहाँ कभी भी दोबारा भी आऊँगा या कुछ ना कुछ इनके लिए करता ही रहूँगा। आइडिए तो है, दो तीन स्टोरी हमने और लिखी है, मगर अभी इस पे ही काम रहेगा, जब ये ख़त्म हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। एक साथ मैं दो काम नहीं कभी करता। Thank you.
बोलो सोलो सोलो बहुत अच्छा लगा आज हमने अपना वक्त यहाँ बिताया इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सम प्लेस सम अदर प्लेस डूइंग पार्टी यहाँ आए बहुत अच्छा लगा काफ़ी भावुक भी हो गए और जैसे कि हमारी फिल्म में राजा ब्रोडी दिल के अंदर जो पैसा है जो भी वो मेहनत से कमाता है उसको अगर सही तरीके से हम यूटिलाइज करें और ऐसी जगह पे हम लोग उसको डालें जैसे मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पे आना चाहिए था पूरी टीम को यहाँ पे आना चाहिए था हम लोग यहाँ पे आए बहुत खुश हैं हम लोग राजा ब्रोडिया मतलब राजा NRI एक ऐसा बंदा जो पंजाब से बाहर जाता है एक फेक मैरिज करके कम पढ़ा लिखा है लेकिन पैसे वाला है इसके साथ ही जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है लेकिन पैसे वाली नहीं है कैसे फेक मैरिज करते हैं बाहर जाते हैं तो इसमें एक लड़का चाहिए था जो पंजाबी हो पंजाब से हो और हम चाहते थे कि हम कुछ ऐसा लॉन्च करें कुछ हमने हमारे दिमाग में था कि हम लोग किसी नए फ्रेश फेस को लेंगे तो वी टुक मिस इंडिया फाइनलिस्ट वैष्णवी पटवर्धन एंड द गाय रोबिन सोही एक मूवी कर चुका है बड़ी फ्रेश या जी आज हमारी फिल्म का अनाउंसमेंट है और बहुत ही खुश हूँ मैं और जैसे हमारी आज पूरी टीम एक साथ आई है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज पहली बार हम ऑन स्टेज और हम पूरी दुनिया को पता चल रहा है कि हमारी फिल्म आई है और इसमें मैं राजा ब्रोडिया बना हुआ हूँ जो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन कैरेक्टर है मतलब राजा मेरे ख्याल से प्रॉपर राजा नहीं है वो मतलब किसी महाराजा टाइप्स का बेटा नहीं उसका कैरेक्टर ऐसा दिल से राजा वो बेसिक ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि खाली ऑडियंस के कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म है हमारी कोई हम सोशल इतना कुछ मैसेज वगैरह कुछ नहीं दे रहे इसमें ऐसा कुछ नहीं है बस एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये फिल्म बना रहे हैं हम और जिसमें हम प्योर लोगों को खाली एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही देंगे हमारे एक्चुअली राजा मतलब जो मैं प्ले कर रहा हूँ वो प्रॉपर राजा ब्रोडिया नाम इसलिए ही रखा है क्योंकि जो कैरेक्टर का नाम ही इस राजा है और वो दिल से राजा है पूरी स्टोरी और राजा के ऊपर ही बेस्ड है उसकी नेचर पे उसके जैसे वो रहता है कैसे क्या क्या चीज़ें करते हैं उस चीज़ पे ही है इसलिए हमने फिल्म का टाइटल राजा ब्रोडिया रखा जिसका चंडीगढ़ और जर्मनी होगा हम 17 को चंडीगढ़ जा रहे हैं और उसके बाद मार्च में हम जर्मनी जा रहे हैं रोमांटिक एंड कॉमेडी बहुत अभी देखते हैं क्योंकि अभी हमने म्यूज़िक पर भी काम हमारा शुरू हुआ है और एज इन जैसे हमारे प्रोड्यूसर और राइटर डायरेक्टर सब पंजाबी हैं और मैं खुद पंजाबी हूँ तो मैं भी शायद पंजाबी गाने हूँ बैकग्राउंड एक्चुअली मैं बेसिकली करनाल हरियाणा से हूँ और मेरे पापा भी प्रेस रिपोर्टर ही हैं और मैं 4 साल पहले बॉम्बे आया था तो मैंने थिएटर ग्रुप किया है ABSA थिएटर ग्रुप के साथ और उसके बीच में मैंने स्टार प्लस के साथ 2 पायलट शूट किए एज ए मेन लीड और एक मैंने फिल्म किया है एकता जो तेलुगू में रिलीज़ होगी और हिंदी में भी रिलीज़ होगी उसके साउथ इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स हैं जो भी मे बी अप्रैल और मई में रिलीज सर ये मुझे ऑडिशन ने मुझे बुलाया था और मैंने ऑडिशन दिया जैसा मेरा लुक था और जैसा कैरेक्टर था तो थोड़ा सा मैं एस्टेब्लिश करता था दोनों चीज़ों में मैच हो रहा था तो आई गॉट दैट तैयारी हमारी एक्चुअली जब से मैं कास्ट हुआ हूँ तब से हर रोज़ वर्कशॉप चल रही है हमारे मेरी और हीरोइन की अपना वैष्णवी पटवर्धन की और हम आज भी मतलब वर्कशॉप रिहर्सल्स वगैरह सब कुछ कर रहे हैं हमारा पहले एक दिन शूट भी किया हमने बॉम्बे में और बहुत ही अच्छा गया हमारा शूट और मेरे ख्याल से रोज़ हमारा शूट अच्छा ही जाएगा सॉरी स्टार कास्ट में कौन कौन सा अपोजिट हमारे मेरे साथ अपोजिट में है वैष्णवी पटवर्धन और एक अलंकिता भी है अलंकिता बोरा और हैरी वर्मा है हमारे साथ अभी जो बॉम्बे में हम शूट कर रहे हैं और चंडीगढ़ में जाकर हमें योगराज सिंह जी हैं जो मेरे फादर बने हुए हैं और मदर के लिए देर सम टीवी स्टार्स
Hi, I'm Alankrita Bora, Miss Diva Universe 2016 finalist. So I'm here with all my crew members for the PR of Raja Brodia. That's my first film ever. So I'm really very excited. So we are here in Bal Bhavan with all the beautiful kids around us. So हाँ, promotions is ये तो बहाना है ही, बट हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड के लिए मिल रहा है तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की चीज़ें है एंड वी आर रियली वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स सी यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द बेस्ट. एंड या दिस कैरेक्टर ऑफ माइन ट्विंकल विच आई एम प्लेइंग इट, इट्स रियली वेरी बबली जॉली एंड वेरी एक्साइटेड. शी इज़ वेरी फर्स्ट फॉरवर्ड्स एंड ऑल. शी इज़ टू हेल्प प्रीटी द लीड कैरेक्टर विच शी इज़ प्लेइंग. सो आई एम द सेकेंड लीड अप देयर. सो इट्स रियली नाइस. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट एंड द प्रमोशन शुड बी very nice, of course. Thank you so much. इसके अलावा आप क्या चल रहा है अभी और पिक्चर में? और पिक्चर में, पिक्चर में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन स्क्रीन. दो ऑफ कोर्स वी आर हैविंग टू मच फन अलॉन्ग विद आवर डायरेक्टर, ही इज ऑन द वे फ्रॉम जर्मनी. एंड या सेट में जो बहुत मस्ती तो होता है ऑफ कोर्स. और ये दिस इज कॉमेडी कम लव स्टोरी. सो ये लव सीन्स होता है ज़्यादातर पंजाब से स्टार्ट होता है, चंडीगढ़ से फिर जाते हैं हम लोग जर्मनी, जर्मनी में सीन्स होते हैं. सो या looking forward for the best. Up please apna humne pictures dekhi and just hope the best that our picture rocked. Aapke sath isme kon kon nazar aayega star cast mein? Ha, star cast mein kon kon rahega? Star cast mein mere opposite mein hai Harry, then Robin, then Vaishnavi who is, she is from Miss India too. So we guys are from basically from fashion industry, no doubt, but we are doing first debut in our film. So really excited. So hope for the best. I'm expecting a good result for this film. ये पिक्चर फिल्म कैसी मिली आपको, मतलब कैसा पूरे एंटायर टीम के साथ कैसी मिली आप डायरेक्टर? Yeah, before, like coming from the fashion industry, this is my first audition I ever get. And Lakhwinder Shabla, who is the director of this film, he liked me in the first corner and I was so confident about giving this audition. जो मुझे पहले लग रहा है ट्विंकल का जो कैरेक्टर है आई कैन रियली प्ले इट वेल बिकॉज मैं हूँ इन रियल लाइफ बहुत जॉली बबली एंड आई डोंट हैव टू थिंक मच. आई गॉट एनर्जेटिक, आई गॉट अ पॉजिटिव वाइब्स अलॉन्ग विथ मी विच आई थिंक दैट आई कैन चेंज द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ माई वर्ड्स एंड दैट कैरेक्टर विच आई एम इन अ रियल लाइफ सिमिलर टू डेट. एंड सीरियसली बींग प्लेइंग लीड एज अ पंजाबी पटाखा, आई एम रियली लविंग इट. कितनी उम्मीद है पिक्चर कहाँ शूट होने वाली है, शूट लोकेशन क्या होगा? लोकेशन से मैं ऐसे बता नहीं सकती, बट या इट्स बिटवीन इंडिया एंड बाहर पोलैंड जर्मनी ऐसे शूट होने वाले हैं. कितनी उम्मीद है पिक्चर मिलेगी आपको? उम्मीदें हैं बिकॉज फर्स्ट फिल्म है तो ऑफकोर्स उम्मीद तो ज़्यादा बढ़ेंगे. तो देखते हैं क्या चलते हैं आगे जाके. ऑफकोर्स भगवान की है, ये लोग बच्चों के दुआ मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सबसे अच्छा ही होगा. थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, फाइनली अनाउंस हो रही है हमारी फिल्म और इतने अच्छे मौके पे इतनी अच्छी शुरुआत हो रही है फिल्म की. सो बहुत खुश हूँ आज. और आपके साथ क्या किरदार है पिक्चर के अंदर? पिक्चर में मेरी बहुत एक सिंपल लड़की का रोल है, प्रीति है उसका नाम, और इससे मैं बहुत कनेक्ट कर सकती हूँ. बहुत सिमिलर है जो मेरा एक्चुअल कैरेक्टर है वैसी ही है ये लड़की और पंजाबी है. तो आई कांट वेट टू स्टार्ट शूटिंग. आपके साथ कौन कौन नजर आने वाला है स्टार कास्ट में? स्टार कास्ट में मेरे ऑपोजिट रॉबिन सो ही है. अलंकृता बोरा मेरी बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभा रही है. हैरी वर्मा एक और कैरेक्टर है जो मेन हीरो के बेस्ट फ्रेंड है. और ऐसी बहुत सारी अमेजिंग सपोर्टिंग कास्ट भी आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगी स्क्रीन पे, जो हमारे माँ बाप या बाकी लोगों का किरदार निभा रहे हैं. कास्ट बहुत अच्छी है. ये फिल्म में आपकी कैसी कास्टिंग के बारे में बताइए, आपने मैं मॉडलिंग करती थी बॉम्बे में. अभी पिछले 6 महीने से बॉम्बे में हूँ. मैं मिस इंडिया की कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ, फाइनलिस्ट. तो उसके थ्रू मुझे एक दिन यहाँ से ऑडिशन का फ़ोन आया कि ऐसी फिल्म के लिए रोम कॉम के लिए कास्ट कर रहे हैं ये लोग. तो मैंने प्रिपेयर की स्क्रिप्ट और इनको मेरा ऑडिशन बहुत पसंद आया. इनको लगा कि मैं कर सकती हूँ और मेरा कैरेक्टर बहुत मिलता है प्रीति से. और बाद में जैसे उन्होंने मुझे जाना, फिर उनको ये भी अच्छा लगा कि हार्ड वर्क करती है, डेडिकेशन से काम करती है. तो फाइनली उन्होंने कास्ट कर लिया. तो अभी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्टार्ट करने के लिए. अभी क्या चल रहा है आपका, ऑन स्क्रीन कुछ चल रहा है या फैशन? नहीं, अभी तो फुल फोकस मेरा इस मूवी पे चल रहा है. बाकी सब काम दो महीनों के लिए साइड कर दिया मैंने और फुल फोकस के साथ फिल्म. पूरे इंटायर टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब शूट भी चालू नहीं होता है, जहाँ तक वर्कआउट चालू है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा फील हो रहा है? हमारे डायरेक्टर, राइटर,
DOP सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं सेट पे मिलकर। हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है सब लोगों की, तो शूटिंग में बहुत मज़ा आता है। हम लोग वर्कशॉप्स कर चुके हैं, उसमें भी अभी तक बहुत अच्छी बॉन्डिंग और साथ में मज़े बहुत करते हैं। बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस फिल्म से, क्योंकि स्टोरी हमारी इतनी बढ़िया है, कास्ट बढ़िया है, डायरेक्टर, राइटर, DOP, सारी टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, दिल लगा के काम कर रही है, तो फिल्म को तो हिट होना ही है। थैंक यू।